Hello students, welcome to Unacademy Studios Escape Velocity, your one-stop solution for complete JEE preparation. दोस्तों, हम लोग आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार चीज लेके आए हैं और वो है Unacademy Plus का experience. Unacademy Plus, हम लोगों ने दोस्तों इस platform का experience आपको special classes के through देने की कोशिश की और अब हम लोग ये experience आप लोगों के लिए लेके आए हैं free for 7 days. अब 7 दिन तक लगातार जितनी क्लासेस आपको अटेंड करनी है उतनी कर सकते हो आप. और पॉइंट ये है कि मेरी क्लासेस तो मिलेंगी सही, उसके अलावा किसी और एडुकेटर की जो और भी बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट कर सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर, उनकी भी क्लासेस आप लोगों को मिलेंगी दोस्तों. तो जल्दी जल्दी कोशिश कीजिए कि आप प्लेटफॉर्म पर आ सकें. ठीक है, सो किन के लिए है ये? मोबाइल लर्नर्स के लिए जो मोबाइल पर लर्निंग कर रहे हैं. साइन अप यूजिंग योर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर से यूज़ कीजिए. सेलेक्ट गोल इन द मेन्यू ऑप्शन टू IIT JEE सेलेक्ट कीजिए एंड 7 डे फ्री ट्रायल आपका अनलॉक हो जाएगा. तो बेसिकली ट्राई कीजिए, पसंद आता तो ठीक, नहीं आता तो कोई बात नहीं. एंड अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरा कोड ज़रूर यूज़ करना. कैसे आप यूज़ कर सकते हैं थोड़ी देर में बताऊँगा. ये मेरी टीम है जो आप लोगों को हमेशा वेलकम करती है, बेस्ट एजुकेशन देने की आपको कोशिश करती है. ये दोस्तों KVPY क्रैश कोर्स चल रहा है, मॉक एलजेब्रा प्रॉब्लम्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे. एलजेब्रा ऑलमोस्ट मैंने खत्म कर दिया है और अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे जो KVPY के हिसाब से इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो ये मेरी प्रोफाइल है दोस्तों, आप लोग पढ़ सकते हैं. 12 बजे कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोर्स के लिए मैं लाइव होता हूँ दोस्तों. इन कोर्सेज के अंदर भी हम लोग एक इनोवेशन कर रहे हैं सेप्टेम्बर मंथ के अंदर. हर वेंसडे को हम लोग क्विज इंट्रोड्यूस करेंगे आप लोगों के लिए और उस क्विज को आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं और मैं लाइव आपको उसका डिस्कशन करके दूंगा. KVPY NSEJS क्रैश कोर्स दोस्तों, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. KVPY NSEJS क्रैश कोर्स 3 बजे जो चल रहा है जैसा मैंने आपको बताया, इसका क्विज वेंसडे को होगा, इसका क्विज मंडे को होगा. लाइव 3 बजे मैं इसका क्विज लूंगा और वेंसडे को 12 बजे मैं इसका क्विज लूंगा. ठीक है, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं @Prashant42Jain. ये मेरा कस्टम URL है बच्चों, यहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, फॉलो करने पर आप मेरी एडुकेटर प्रोफाइल पे पहुँचेंगे और यहाँ पे मेरे लेसन्स हैं जो अवेलेबल हैं फ्रीली. अभी मैं JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप लोग उनको भी एक्सेस कर सकते हैं. दोस्तों, प्लस प्लेटफॉर्म के बारे में क्या बताऊँ मैं अब आपको? अब आप तो आप खुद 7 दिन के लिए एक्सप्लोर करने ही वाले हैं. वीकली टेस्ट सीरीज है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज हैं, आप खुद अंदर जाके देखिएगा. बैच कोर्स भी अवेलेबल है आप लोगों के लिए, उसके अलावा दोस्तों आप लोगों के लिए इंडिविजुअल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. ठीक है, तो प्लीज़ इसको भी आप लोग करिए. अब प्लस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए करना क्या है? अगर मान लीजिए 2 ईयर्स का के लिए आना है तो 40,000 फॉर 24 मंथ्स, दिस इज वॉट यू कैन पे. आप इसको पे कीजिए. इसके लिए आपको क्या मिलेगा अगर 40,000 आप पे करते हैं तो? 30+ आवर्स ऑफ लाइव लेसन एवरी डे, लाइव कोर्सेज इन इंग्लिश एंड हिंदी, 39+ टॉप एडुकेटर्स का एक्सेस मिलेगा आपको. न्यू कोर्सेज पब्लिश एवरी मंथ, हर महीने नया कोर्स पब्लिश होगा दोस्तों. पीजे लाइव मेरा कोड है दोस्तों, पीजे लाइव कोड मेरा है. इसको आप यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. 40,000 की जगह ये अमाउंट 36,000 हो जाएगा. अब तक आपको शायद ये चीज़ पता चल चुकी होगी कि 10% ऑफ मेरे कोर्स पे मेरे कोड यूज करोगे तो मिलेगा आपको. 30+ आवर्स ऑफ लाइव लेसन, लाइव कोर्सेज इंग्लिश एंड हिंदी, सब चीज़ें हैं, बस आपकी कमी है. और आप लोग भी अब आ सकते हैं 7 दिन के लिए. हमारा जो प्लस प्लेटफॉर्म है उसको फ्रीली एक्सेस कीजिए, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है देन कम ऑन दी प्लेटफॉर्म टू स्टडी फ्रॉम अस रेगुलरली. 2083 पर मंथ, 12 मंथ का कोर्स है दोस्तों. 25,000 इसके चार्जेस हैं. पीजे लाइव अगेन कोड यूज करेंगे तो ये अमाउंट 10% रिड्यूस हो जाएगा, 22,500 ये अमाउंट हो जाएगा. अगर आप लोग KVPY कोर्स क्रैश कोर्स के लिए दोस्तों आना चाहते हैं, काफी बार मैं आपको बता चुका हूँ KVPY क्रैश कोर्स के लिए आना चाहते हैं, 3 महीने का आप अमाउंट पे कर सकते हैं. 10% इसके अंदर भी दोस्तों ऑफ हो जाएगा अगर आप मेरा कोड पीजे लाइव यूज करेंगे तो. अब देखिए दोस्तों, कैसे आपको ऐप डाउनलोड करनी है इसका भी हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहेगा. प्ले स्टोर पर जाके Unacademy टाइप कीजिए तो Unacademy लर्निंग ऐप आपको दिखेगी. इसको क्लिक कीजिए, फिर इसको इंस्टॉल कीजिए. ठीक है, इंस्टॉल कर लीजिए. 4.6 स्टार है इसके, 240,000 रिव्यूज हैं, तो काफी ज्यादा पॉपुलर ऐप है ये. ठीक है, इसको इंस्टॉल कीजिए. इसको इंस्टॉल करते ही आपको ये कैटेगरी दिखेगी, IIT JEE चूज योर गोल के अंदर IIT JEE कोड चूज कीजिए. फिर उसके बाद दोस्तों
यस, अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो ये कुछ सब्सक्रिप्शन मॉडल्स अवेलेबल है। कंटिन्यू जैसे ही आप करेंगे फिर आपसे पूछेगा कि भी रेफरल कोड अप्लाई कीजिए, तो पीजे लाइव कोड आप यूज कीजिए, अप्लाई कीजिए। जैसे ही आप पीजे लाइव कोड अप्लाई करेंगे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, देन यू कैन प्रोसीड टू पेमेंट। ठीक है दोस्तों, तो जैसे प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे फिर डिस्काउंट हो जाएगा, 36,000 ये अमाउंट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है, ठीक है। तो जल्दी से दोस्तों ये फीचर आप लोग देख लीजिए, 10 सेकंड के अंदर मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो ये ऐप के अंदर आप सब चीजें देख सकते हैं। चलिए अब मॉक प्रॉब्लम्स हम लोग ले रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस की हम लोग कुछ चीजें डिस्कस कर चुके हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। इफ अ डाइस इज रोल्ड 12 टाइम्स to get a output 3 times and sum of 12 outputs is 46, then find output which appeared the least। ट्रिकी क्वेश्चन है, पजल टाइप का क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, मगर करिए, ट्राई कीजिए इसको। चलिए अब हम लोग करते हैं इसको, देखिए 12 टाइम्स आउटपुट है। तो देखो दोस्तों, इसका कहने का मतलब है कि जब भी तीन बार कोई आउटपुट आ जाएगा ना, तो गेम स्टॉप हो जाएगा, एक तरह से गेम मान लो इसको। और इसके अंदर क्या है कि 12th थ्रो में पहली बार कोई चीज तीन बार आई है, तो इसका मतलब ये 12th थ्रो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब मान लेते हैं कि X1 3 टाइम्स आया, X2 से लेकर X5 तक फिर 2 टाइम्स आएंगे, और X6 1 टाइम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है दोस्तों, X1 3 टाइम्स लिया है मैंने, X2 से लेकर X5 तक को मैंने 2 टाइम्स लिया है, X1 को 3 टाइम्स लिया है, और X6 जो होगा वो 1 टाइम आएगा, ठीक है। तो X6 जब 1 टाइम आ जाएगा दोस्तों, तो मुझे X6 की वैल्यू निकालनी है, राइट। अब देखो दोस्तों, मुझे क्या दे रखा है, 3 टाइम्स X1 प्लस 2 टाइम्स X2 प्लस X3 प्लस X6, 46 है, राइट। अब देखो, मुझे पता है कि जितने भी आउटपुट्स आते हैं उनका सम 21 होता है डाइस के अंदर, 1 से लेकर 6 तक ही आउटपुट्स होते हैं। तो अब देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 2x1 प्लस x2 प्लस x5, x1 से लेकर x6 को मैंने एक साथ कर लिया। अब मैं ये ऐसा बोल सकता हूं कि x1 प्लस x2 प्लस x5 21 माइनस x6 होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x1 प्लस 21 माइनस x6 प्लस 21 इक्वल टू 46। तो x1 माइनस x6 इज इक्वल टू 4, ये समझो दोस्तों।
देखो सबसे पहले मैंने इसका सम एक बार पुट कर दिया 21, फिर उसके बाद ये 2x1 से लेकर x5 तक आया, फिर x1 अलग करो, x1 से लेकर x5 तक का सम आएगा, x1 से लेकर x5 तक का सम 21 माइनस x6 हो गया, 21 माइनस x6 पुट किया, x1 माइनस x6 प्लस 42 इज इक्वल टू 46, x1 माइनस x6 इज इक्वल टू 4। समझ में आई दोस्तों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर। तो अब x1 माइनस x6 4 आ गया, इसका मतलब केवल ये केसेस पॉसिबल है, तो लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स क्या आएगा? 2 और 1। कॉपी कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पिछले साल NSEJS में आया था ये, KVPY में आराम से आ सकता है। चलो दोस्तों, ठीक है, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, समझ लिया होगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेता हूं मैं परसेंटेज का। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों जो मैं आपको करवा रहा हूं, मैं केवीपीवाई के क्रैश कोर्स में डिस्कस करता हूं अपने बच्चों के साथ, होमवर्क में देता हूं उनको। तो अगर अभी तक आप प्लस प्लेटफॉर्म पर केवीपीवाई का क्रैश कोर्स करने नहीं आए हैं, जल्दी आ जाइए। एटलीस्ट 7 डेज का जो हम लोग फ्री आपको ट्रायल दे रहे हैं उसको लेके ही आ जाइए, ठीक है। If a watermelon has 99% water and weighs 1000 kg, imaginary एक watermelon है बहुत बड़ा, ठीक है, in heat it loses water so that now it has 98% water. Find, इसका आंसर बहुत अमेजिंग निकलेगा देखना, find new weight of watermelon. Watermelon का नया वेट निकालने की कोशिश कीजिए आप, वाटरमेलन का नया वेट निकालने की कोशिश कीजिए। चलिए करिए दोस्तों, जल्दी जल्दी कर लो इसको। चलिए अब मेरी बारी आ गई, आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब देखो सिंपल फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, बहुत सारे लोगों ने ये बोला होगा कि भाई 990 केजी आएगा नया वेट, 10 केजी पानी उड़ जाएगा, बहुत सारे बच्चे ये बताते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इसका, देखो आप तो ऐसे सोचो कि भाई पहले 10 केजी
वाटरमेलन था और 990 केजी वाटर था, मानते हो ये बात? अब जो भी उड़ा है वाटर, उड़ा है वाटर ही उड़ता है। एक्स केजी, अब मान लो कि नए में एक्स वाटर है और एक्स प्लस 10 टोटल वेट हो गया उसका, राइट, इंटू 100, ये 98% होना चाहिए। सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूं दोस्तों, मैं जो दिया है वही कर रहा हूं। एक्स वाटर का नया वेट है, एक्स प्लस 10 टोटल वेट है, एक्स अपॉन एक्स प्लस 10 इंटू 100, 98 हो गया। तो देखो 100x इज इक्वल टू 98x प्लस 980, 2x इज इक्वल टू 980, x इज इक्वल टू 490। अब देखो आप, केवल 490 मतलब 500 किलो पानी उड़ गया, आधा से ज्यादा पानी उड़ गया, तब जाके 98% हुआ है, देख रहे हो आप? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आंसर क्या आएगा, न्यू वेट क्या है, 490 प्लस 10 इज इक्वल टू 500। बहुत इंपॉर्टेंट है, छाप लो इसको दोस्तों। एक क्वेश्चन कभी ना कभी ऐसा आ सकता है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है केवीपीवाई के अंदर, एनएससीजेएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ ए इज 3 टाइम्स एफिशिएंट देन बी एंड बी इज ट्वाइस एफिशिएंट एस सी, देन इफ ऑल वर्क टूगेदर हाउ मैनी डेज दे विल टेक टू डू अ वर्क which gets completed in 10 days by B alone, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन ले लिया मैंने आप लोगों के लिए, करो ठीक है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ले लिया आप लोगों के लिए, जल्दी से कोशिश कीजिए दोस्तों। चलिए अब मेरी बारी आ गई दोस्तों, आपने कर लिया होगा अब तक, एक मिनट मैंने दे दिया आपको। इफ ए इज थ्राइस एफिशिएंट, तो देखो बी को जिसमें 10 डेज लगेंगे
ए को 10/3 डेज लगेंगे और सी को 20 डेज लगेंगे, ठीक है। अब इसमें बहुत सिंपल होता है, तीनों को कर रहे हैं ना, क्या करते हैं, 1/ सबको रेसिप्रोकल कर दो, 1/10 प्लस 3/10 प्लस 1/20, राइट, ये आएगा 20/9, यही दिन आते हैं। जिन लोगों को थ्योरी याद है वो इसको आराम से कर सकते हैं, राइट, कोशिश करो समझने की। इसको थ्योरी क्या है कि भाई 10 डेज में काम करता है तो बी एक दिन में कितना करेगा, 1/10 काम करेगा, ये एक दिन में कितना करेगा, 3/10 काम करेगा, देखो 1/10, 3/10 और 1/20 काम करेंगे, ठीक है। इन सब का सम कितने दिन में 1 आ जाएगा, सीधी सी बात है ये निकालना है, तो वही निकाला, 1 कितने दिनों में आ जाएगा, 20/9 डेज में, छाप लो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अ स्प्रिंटर थीफ, अ स्प्रिंटर थीफ रन्स एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, पुलिसमैन स्टार्ट स्प्रिंटिंग आफ्टर 3 hours एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का दूसरा क्वेश्चन केवीपीवाई में ऑलरेडी आ चुका है एक बार, एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, अ डॉग moving at a speed of 60 kilometer per hour takes round trips to thief and then to policeman till पुलिस कैच द थीव। फाइन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डॉग इन डायरेक्शन ऑफ थीव, करो भाई डायरेक्शन ऑफ थीफ। बहुत शानदार क्वेश्चन है, कोशिश करो करने की। राइट, सॉरी,
चलो अब ये देखो, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, कैसे इसको अप्रोच करेंगे वो देख लेते हैं। आप भी सोच रहे होंगे सर आज कैसे अलग अलग तरह के पजल टाइप के क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। अ स्प्रिंटर थीफ रन्स एट ए स्पीड ऑफ, देखो ये ओरिजिनल सिचुएशन है, ये थीफ है, ये पुलिस है, ये डॉग है, 50 किलोमीटर पर आवर। ये डिस्टेंस कितना है दोस्तों, 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर क्यों? क्योंकि 3 घंटे बाद पुलिस ने भागना चालू किया है, भारत की पुलिस है ऐसा लग रहा है। ठीक है, 120 किलोमीटर, राइट। तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी है दोस्तों, रिलेटिव स्पीड कितनी है? इसकी 40 किलोमीटर पर आ रहा है, इसकी 50 है, पुलिसमैन की 50 है। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू टी इज 10। तो टाइम कितना लगेगा कैच करने में, 112। ये समझ में आया आपको कि 12 घंटे लगेंगे, क्योंकि हर घंटे में 10 किलोमीटर कवर हो रहा है, हर घंटे में 10 किलोमीटर कवर हो रहा है। अब देखो ऐसे सोचो कि भाई अब 12 घंटे में थीफ कितना चलेगा, थीफ चलेगा 480 किलोमीटर, पुलिस कितना चलेगा, पुलिस कितना चलेगा भाई, 50 into ये 600 किलोमीटर, और डॉगी कितना चलेगा, 720 किलोमीटर, राइट। अब हमसे क्या पूछा है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय डॉग इन डायरेक्शन ऑफ थीफ, थीफ की डायरेक्शन में वो कितना चल रहा है, मतलब इधर की तरफ वो कितना भाग रहा है, ये हमें पता करना है। ठीक है, ये हमें पता करना है। अब देखो दोस्तों थी अब डॉग कितना चलेगा ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि थीफ देखो 120 किलोमीटर पहले एवरेज स्पीड है, 6 घंटे में देखो डॉग कितना चलेगा ये हम कैलकुलेट करते हैं। 6 आवर्स में पहले तो वो फर्स्ट बार पहुंचेगा थीफ के पास, ठीक है, 6 आवर्स में वो डिस्टेंस कवर करेगा। अब डॉग और उसकी स्पीड कितनी हो गई, डॉग और थीफ और पुलिस की दूरी 60 किलोमीटर हो गई। अब वो वापस किसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा, उसके पास डॉक्टर के, उसके बाद पुलिसमैन के पास। तो पुलिसमैन के पास कितने घंटे में पहुंचेगा, ये उसकी एवरेज स्पीड होगी, क्योंकि पुलिसमैन की तरफ जा रहा है और वो इधर जा रहा है, 60, 50, 110 इतने। तो ये पहली राउंड ट्रिप हुई। अब ऐसे अगर मैं करने जाऊंगा ऐसे 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 तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं, ये छोड़ो। देखो उसकी इधर वाली ट्रिप में स्पीड कितनी है पुलिसमैन से, पुलिसमैन के साथ एवरेज स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर, और इधर जाते हुए कितनी है, 110 किलोमीटर पर आवर, राइट, 10 किलोमीटर पर आवर, 110। अब डिस्टेंस इधर उधर जाते वक्त सेम है, तो टाइम जो लगेगा इधर इधर जाते वक्त टाइम कितना लगेगा, 11 आवर, और इधर आते वक्त कितना लगेगा, 1 आवर। क्यों? क्योंकि स्पीड का रेशियो अगर 1:11 है तो टाइम का बिल्कुल उल्टा होगा, 11:1। तो इधर जाते वक्त 11 घंटे वो इधर भाग रहा है और 1 घंटे इधर भाग रहा है, ये हमने निकाल लिया। मतलब 11 घंटे वो इधर भाग रहा है, 1 घंटे इधर भाग रहा है। तो 11 घंटे इधर भाग रहा है 60 की स्पीड से, तो 660 किलोमीटर आ गया। ये बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। मतलब वो इधर जाने की स्पीड उसकी 10 थी, इधर जाने की 110 थी, ठीक है, इधर जाने की 10 थी, इधर जाने की 110 थी। तो टोटल इधर जाने में वो 11 घंटे लेगा, इधर जाने में 1 घंटा लेगा टोटल, क्योंकि उसको 120 किलोमीटर चलना है। 120 किलोमीटर ऐसा सोचो कि हमने इसको तोड़ दिया 120 किलोमीटर, तो 110 किलोमीटर वो 1 घंटे में चल सकता है इस स्पीड से, और बाकी का 10 1 घंटे स्पीड होगी उसकी, ठीक है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि 660 किलोमीटर थीफ की तरफ जाएगा। अच्छे से इसको समझने की कोशिश करो और नोट करने की कोशिश करो, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है दोस्तों, समझने की कोशिश करना।
समझ में आया दोस्तों, क्लियर हो गया? चलो अब एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन करते हैं। इफ अ शॉपकीपर सेल्स अ गुड एट 17940 by earning 8% by earning 19.6% profit even after giving 8% discount. Fine. His profit percent if he does not give any discount. कोई discount अगर नहीं देता है तो बताइए, करिए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कोई भी डिस्काउंट अगर वो नहीं देता है तो बताइए कितना टाइम लगेगा, मतलब कितना प्रॉफिट होगा। चलो अब करता हूं, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आप लोगों ने कर भी लिया होगा। देखो 0.92x 17940 है, एक्स क्या है? सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट होता है, राइट? और 1.196 वाई, 17940 है, y क्या है? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं इसको, अज्यूम करते हैं कि 46 की टेबल से कट जाएगा, ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं हम लोग। 4692184 गड़बड़ हो गई है, तो अपन तो इसको पहले काटते हैं 2 की टेबल से, ठीक है। कितना गया? 89870, ठीक है, प्लस 23 करने पे 920 आ रहा है, कट जाएगा 1390, तो एक्स कितना हो गया? 390 × 50 मतलब 195, ये तो हो गई सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या होगी? देखो 1196 अपॉन 1000 × 17940, ठीक है। अब करते हैं इसको, ये मुझे लग रहा है कि 15 टाइम्स ज्यादा होगा, इससे 15 टाइम्स ही जाएगा, ऐसा मेरे को विजुलाइज हो रहा है। तो y 15000 आ गया, y कितना आ गया? 15000। अब प्रॉफिट कितना होता है? x माइनस y अपॉन y इंटू 100
4500 इंटू 100 बाय 15000 30%। क्लियर है दोस्तों? 30% हमारा आंसर आ जाएगा। जल्दी से इसको छाप लो ताकि हम लोग अगला क्वेश्चन कर सके। राइट, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब एक क्वेश्चन, इफ टू फास्टेस्ट हॉर्सेस आर टू बी जज्ड out of 16 horses taking maximum of 4 horses in a race, how many minimum races? Are required to make the judgment. इस judgment को make करने के लिए कितना चाहिए? चलिए, दो fastest आपको ढूंढने, कर लिया? बताओ भाई, दो फास्टेस्ट घोड़े चूज करने। अब देखो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, चार 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 रेस कराओ, फर्स्ट आ गया, फिर वो जो चार जीते उसकी फर्स्ट कराओ, तो ऐसे करते करते एलिमिनेट करते जाते हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा कि भाई A1 A2 A3 A4 ये पहला ग्रुप है, B1 B2 B3 B4 ये दूसरा ग्रुप है, C1 C2 C3 C4 ये तीसरा ग्रुप है, D1 D2 D3 D4 ये चौथा ग्रुप है। राइट, ये चार ग्रुप वर्क कर रहे हैं। क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, मान लेते हैं कि ये फर्स्ट आए सब लोग, चार रेस हो गई, अब इन जो फर्स्ट आने वाले घोड़े हैं ना उनको भगाओ। मान लो A1 फर्स्ट आ गया, ठीक है, कोई ना कोई तो फर्स्ट आएगा, जो आ गया ना फर्स्ट उसको A1 बोल दो। एक काम करते हैं, तो ये फर्स्ट हो गया, पांच रेस में मुझे फर्स्ट मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, ये फर्स्ट आया ना
तो आप देखो ये तीन भी सेकंड हो सकते हैं इन तीनों में से, और ये भी सेकंड हो सकता है ना, ये भी तो सेकंड हो सकता है। तो ए टू बी वन सी वन डी वन, इनमें सिक्स्थ रेस कराओ, इसमें सिक्स्थ रेस कराओगे ना इसमें सेकंड मिल जाएगा आपको, जो फास्टेस्ट होगा ना वो सेकंड फास्टेस्ट होगा, राइट। तो कितनी रेस चाहिए अपने को, सिक्स रेसेस, सिक्स रेसेस आर रिक्वायर्ड। छह रेस रिक्वायर्ड है दोस्तों, छाप लो उसको। अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से तो ये। चलिए छह रेसेस हो गई, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन का है। इन अ मिल्क विच इज 98% प्योर, a milk is mixed with 93% purity so that resultant mixture has 95% pure milk. Find quantity of milk added if originally 300 liters milk was available. करो भाई इसको। थ्री हंड्रेड लीटर मिल्क अवेलेबल है ऑलरेडी, कितना करेंगे बताइए। मिक्सचर एंड एलिगेशन का सिंपल क्वेश्चन, चलो
इन अ मिल्क विच इज 98% प्योर, अ मिल्क इज मिक्स्ड विद 93% प्योरिटी। देखो भाई, कुल मिला के टोटल मिल्क अपॉन टोटल लिक्विड 95% होना चाहिए, इन 295% होना चाहिए। तो 300 लीटर मिल्क के अंदर 98% वाटर है, प्लस x के अंदर 95% है, टोटल 300 प्लस x 93 है, सॉरी माय मिस्टेक 93 है, इज इक्वल टू 300 इंटू 98% प्लस एक्स इंटू 93%, ये कितना हो गया 95%, राइट 95% आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो या तो इसको इस तरह से कर लो, मैं देखना इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा, 300 प्लस 90% तो सब हटा सकते हैं हम लोग, इंटू 98, कैलकुलेशन ट्रिक देखना आप, प्लस 93x इज इक्वल टू 95 इंटू 300 प्लस 95x, कैलकुलेट ही नहीं किया मैंने अभी तक, 2x इज इक्वल टू 3 इंटू 300, ये आया 3 इंटू 300, ठीक है। तो x कितना आ गया दोस्तों 450, मतलब 450 लीटर और ऐड किया हमने, राइट। अब ये तो एक तरीका हो गया, ये तो सिंसियर स्टूडेंट वाला मेथड हो गया, अब मैं आपको टॉपर स्टूडेंट वाला बताता हूं। देखो ये 98 है, ये 93 है, इनको मिक्स किया है, हमें 95 पे आना है, मतलब 93 के पास है, टू डिस्टेंस पर, यहां से थ्री डिस्टेंस पर, ठीक है। तो ये 300 लीटर लिया है ना, तो इसको हमें इसके उल्टे रेशो में लेना पड़ेगा, क्योंकि 93 ज्यादा होगा, ये तो समझ में आ रहा है, तभी तो 95 के पास आ रहा है, तो इसके उल्टे रेशो में, मतलब ये तीन दूर है ना, 3 और 2 दिख रहा है, तो 300 का 3/2 आपको लेना पड़ेगा, ये टॉपर वाला मेथड हो गया, डायरेक्टली आप इससे बिना कैलकुलेशन के 450 लीटर निकाल सकते हो, समझ में आई बात, जल्दी से इसको छाप लो दोस्तों, छाप लो इसको। चलो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, चलो। सो दोस्तों आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चंस एंजॉय किए, बेसिकली कमर्शियल मैथमेटिक्स मैं पढ़ाता नहीं हूं, उसको क्वेश्चंस की फॉर्म में कवर करने की कोशिश करता हूं। आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू हैव लाइक्ड इट जस्ट लाइक इट, रिमेंबर टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज व्हेन यू डू हिट द बेल आइकन यू रिमेन नोटिफाइड फॉर ऑल आवर वीडियोस, आई हैव बीन सेइंग इट टाइम एंड अगेन, प्लीज डू फॉलो, विद योर ब्लेसिंग्स एंड एफर्ट्स एंड आवर एफर्ट्स ऑल्सो वी हैव क्रॉस 100,000 ऑन आवर चैनल एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 200,000 300,000 एंड सो ऑन, सो प्लीज कीप शेयरिंग आवर वीडियो सो दैट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स आर कमिंग इन द प्लेटफॉर्म इन नियर टाइम, राइट। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कीजिए, प्लीज यूज पीजे लाइव कोड यूज कीजिए दोस्तों, 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर आपको आना है तो। उसके अलावा अगर आप लोगों को अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस करना है तो हमारा 7 डेज का ट्रायल ऑफर आ गया है आप लोगों के लिए, जल्दी जल्दी वहां पे जाइए, मेरी क्लासेस भी अटेंड कीजिए, उसके बाद पूरा प्लस प्लेटफॉर्म पे वीकली क्विजेज वगैरह सब अटेम्प्ट कीजिए, एंड प्लीज एक चीज की कोशिश कीजिए कि जब 7 डेज के बाद आप प्लस प्लेटफॉर्म पे आने का मन बना लेंगे, सोच लेंगे, तो पीजे लाइव कोड यूज करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।